मध्य जिला के नबी करीम के प्रेमनगर इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। छात्र निखिल, जो कि 10वीं क्लास में केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट में पढ़ता था, उसकी तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी नाबालिग बताया जा रहा है। परिवार में निखिल अकेला लड़का है और पिता भी अखबार में काम करते हैं। परिवार वालों के मुताबिक निखिल घर से करीब 3:30 बजे ये कहकर निकला था कि वो अपना किताब और कुछ सामान लेने जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद किसी ने परिवार वालों को बताया कि निखिल को किसी ने चाकू मार दिया है, जिसके बाद परिवार के लोग आनन फानन में अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाते समय निखिल की मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक उसको बेरहमी से 3 चाकू मारे गए हैं। परिवार के मुताबिक आरोपी नाबालिग मुस्लिम है और उसके चाचा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मेरे को पता लगा मेरे भतीजे के वहाँ पे कूड़ेखत्ते के पास चाकू मार दिए गए। मेरे साथ झगड़ा वगड़ा हो गया बच्चे का, तो हम हॉस्पिटल गए तो बता रहे लड़का खत्म हो चुका है तुम्हारा। तो पता लगा वहाँ पे कोई लाल नाम का कोई है माउंटेन, उसके आम आदमी के पार्टी का है, उसके भतीजे ने उस लड़के को चाकू मारे। घर से अपना कुछ सामान ला रहा था कि चाचा मेरे को अपना स्कूल का सामान लेके आना, मुझे जा रहा हूँ मैं बुक वगैरह अपने प्रोजेक्ट का सामान लेके आ रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग को अप्रीहेंड कर लिया है। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।